ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने देवी सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा लाई। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं, उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासपद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकव कहलाए और अपयस का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कक्षप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया गया। अतिशय कठोर मदरांचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में बने ये सब असुंदर एवं अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम स्वरूपमय कक्षप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्या दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः
लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती भिन्न वस्तु के साथ, इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जय माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी की ओर देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। श्री रामचंद्र जी का रूप और देवी सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह श्यामला ही है। तब राजा जनक ने वंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, श्री शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको श्री जानकी जी बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरण करेंगे। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं।
जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है।